हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और आज है 30 सितंबर और आज मेरे चैलेंज का डे 19 है। एंड अभी टाइम हो रहा है 7:45। मेरा वॉक हो गया है एंड जो रात को मैं डाली थी मेरे स्टोव का जो बर्नर है उसको मैंने घर में, तो चलिए उसको क्लीन कर लेते हैं एंड देखते हैं कि वो कितना क्लीन होता है विनेगर से। तो ये देखिए, इसकी हालत कुछ ऐसी हो रखी है। ये थोड़ा ब्लू ब्लू कलर का दिख रहा है। क्लीन करने के लिए मैं पहले इसको ब्रश से थोड़ा रब करती हूँ। ओह वाओ, ये देखिए। ब्रश से इतना वॉश हुआ है, बट ये ब्रश से नहीं वॉश होगा, इसको हम लोग को वॉश करना पड़ेगा ऐसे स्क्रबर से। तो मैं थोड़ा सा डिशवॉशर ले रही हूँ। बहुत जोर से रब नहीं कर रही हूँ, हल्के हाथों से रब कर रही हूँ, लेकिन ऐसे रब करती जा रही हूँ तो ये निकल रहा है। बहुत ज्यादा दम लगा के इसको रब करने की जरूरत नहीं पड़ रही है मुझे। ये देखिए, अच्छे से एकदम चमकने लगा है। बिल्कुल हल्का हल्का नहीं निकला है क्योंकि मैं बहुत ही जोर से रब नहीं की हूँ इसको। अगर करेंगे तो वो भी निकलेगा। तो और अंदर का भी देखिए, ये जो विनेगर का सॉल्यूशन है ना, इसको आप लोग फिर से रीयूज कर सकते हैं 2-3 बार। बट एंड ये पीताम्बरी से कुछ नहीं हुआ है, डिशवॉशर ही इनफ है। और ये देखिए, बिल्कुल चमकने लगा है ना। तो चलिए फटाफट मैं इसको गैस पर रख देती हूँ और टी बनाती हूँ, क्योंकि मोमेंट बहुत वेट कर रहे हैं टी का। मैं तो भूल ही गई थी कि ये भींगा हुआ है, तो थोड़ा टाइम लगेगा, तो मैं इससे ट्राई करती हूँ। वो जलता जाएगा। पाउडर, मिंट लीव्स, ये सभी जो था ना ये वाले ड्रॉर में था। इसको मैं अच्छे से पूरा डीप क्लीन की हूँ कल, इस वजह से ये अभी बाहर है। और इसमें ये जिसका चैनल है ना, ये भी बहुत खराब हो गया था, पूरा रस्टिंग हुआ था, तो मैं उसको भी क्लीन की हूँ और उसमें थोड़ा ऑयल डाली हूँ ताकि अच्छे से, ये देखिए अभी जा रहा है। तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम आप लोग के साथ हो रहा है तो उसमें थोड़ा सा ऑयल डाल दीजिए, वो चैनल बहुत अच्छे से वर्क होगा। तो मेरा बन रहा है चाय, मैं बनाती हूँ चाय और मिलती हूँ उसके बाद आप लोगों से। क्लॉक हो रहा है आफ्टरनून का और मैं ब्रेकफास्ट करके फिर मोमेंट चले गए हैं साइट पे एंड मैं लग गई थी काम करने के लिए, इसलिए आप लोगों से बात नहीं कर पाई। तो अभी मुझे लग रही है भूख और जब मैं आकर के फ्रूट्स देखी तो मेरे पास ग्रेप्स कुछ पड़े हुए थे, ग्रीन ग्रेप्स जिसके अंदर सीड होता है ना, वो वाला ग्रेप्स पड़े हुए थे। वो ग्रेप्स को मैं यहाँ रखी हूँ। देखिए इस ग्रेप्स को क्या की हूँ मैं, कट करके इसका सीड्स निकाल दी हूँ और इसको इस छोटे से बाउल में रखी हूँ, जो कि मेरा एक्चुअली ये हाफ कप के इतना होगा। तो मैं सोच रही हूँ इसका कुछ स्पाइसी सा और खट्टा मीठा वाला चटनी होता है ना, वो बनाऊँ। तो चलिए फिर इसको बनाते हैं और टेस्ट करते हैं कि कैसा बना है। इतना ही है तो बस ये एक्सपेरिमेंट करके देख रही हूँ कैसा बनेगा। अगर अच्छा बना तो वेरी गुड, और नहीं बना तो ज़्यादा नहीं है, थोड़ा ही है। तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ ये नॉन स्टिक वाला कढ़ाई,
छोटा ली हूँ क्योंकि थोड़ा ही बनाना है। इसमें मैं डाल रही हूँ ये ऑलिव ऑयल, इसमें डालती हूँ मैं ये पंचफोरन हाफ टीस्पून के करीब। एंड ये हो गया है तो इसमें डाल देते हैं ये ग्रेप्स। फ्लेम बिल्कुल लो रखी है और थोड़ा स्पाइसीनेस चाहिए मुझे तो मैं डाल दे रही हूँ ये चिली पाउडर और मैं इसमें डालूंगी थोड़ा स्वीटनेस के लिए ये जैगरी पाउडर। अभी तक मैं इसमें पानी बिल्कुल नहीं डाली हूँ बट देखिए कितना ज्यादा पानी छोड़ा है ग्रेप्स ने तो मुझे नहीं लगता इसमें पानी डालने की कुछ जरूरत है तो मैं इसको 2 मिनट के लिए सिर्फ कवर कर देती हूँ। आई थिंक एक सीप ना छूट गया था। तो बस 2 मिनट हो गए हैं। अच्छा मैं थोड़ा भूल गई इसमें डालना दालचीनी क्योंकि दालचीनी का फ्लेवर ऐसे चटनी में बहुत अच्छा आता है तो अभी ही डाल देती हूँ हल्का हल्का फ्लेवर आ जाएगा बट इसको पहले डालना था एक्चुअली। अच्छा और मैं इसमें हल्का सा सॉल्ट डाल देती हूँ ताकि खट्टा मीठा टेस्ट आएगा क्योंकि अभी मैं टेस्ट की हूँ ना तो सिर्फ मीठा मीठा ही टेस्ट आ रहा है तो सॉल्ट आने से थोड़ा खट्टा मीठा आएगा। अभी परफेक्ट बना है तो ये लगभग हो गया है। मैं बंद कर देती हूँ क्योंकि कलर भी देखिए बहुत बहुत प्यारा सा आया है और ज़्यादा इसको करूँगी ना तो ये सॉलिड होने लगेगा बिकॉज गुड़ है ना। तो ये है मेरा चटनी और मैं देखती हूँ इसी बाउल में डाल करके कि कितना है तो ये देखिए ये इतना बना है इनफ है ना चटनी। तो ये फटाफट मेरा ग्रीन ग्रेप्स का एक्सपेरिमेंट वाला चटनी बिल्कुल रेडी है। खट्टा मीठा स्पाइसी सॉर सभी चीज टेस्ट आ रहा है इसमें। तो ये मेरा एक्सपेरिमेंट एक्चुअली अच्छा हुआ और मुझे ना बहुत मन हो रहा है खाने का तो मैं आप लोग से मिलती हूँ खाने के बाद। ओके मैं खाने में इतना ज्यादा बिजी हो गई थी ना कि इतना टेस्टी ही बना है बट आप लोग को दिखाती हूँ ये ब्रेड के साथ बहुत अच्छे से जाता है और मैं इसको इसके ऊपर स्प्रेड कर रही हूँ और ये थोड़ा थोड़ा जो है ना टोमेटो का चटनी बनता है ना वैसा कुछ टेस्ट आ रहा है बट सिंपल ऐसे खाने से अच्छा है अगर आप ब्रेड के साथ जैम की जगह यूज करते हैं इसको एंड माइंड ब्लोइंग ट्राई जरूर कीजिए। तो मैं यहाँ पे चला रही हूँ यूट्यूब वीडियो जो कि कुछ व्लॉगर्स हैं मेरे फेवरेट हैं उनको देखती हूँ मैं और मैं कर रही हूँ वॉक क्योंकि मुझे मिनिमम 8 किलोमीटर कंप्लीट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एंड यही है वो गिफ्ट जो मैं अपने आप को इस बर्थडे में दी हूँ जो आप लोगों को बोली थी मैं बताऊंगी मैं नहीं बता पाई तो चलिए लेट नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं। सो मेरा 5.5 हो गया है एंड 71 मिनट्स हुए हैं। सो अब मैं इसको बंद कर देती हूँ। तो देख सकते हैं आप लोग कितना स्वेटिंग हो रखा है
बट एक्चुअली अभी क्या हो रहा है ना, मैं रियल बताऊँ तो मैं एक्सरसाइज एक्चुअली नहीं कर रही हूँ, सिर्फ मैं वॉक करती हूँ, जितना किलोमीटर हो सके उतना किलोमीटर वॉक कर रही हूँ अभी। रिजल्ट तुरंत तो नहीं मिलेगा, आई नो 30 डेज में कितना रिजल्ट मिलता है पता नहीं, क्योंकि 30 डेज में भी मेरा एकदम से ऐसा नहीं होगा कि स्टार्टिंग में ही 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर मैं वॉक करने लगी हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ था। वो मैं 30 डेज जब मेरा कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपको चार्ट दिखाऊंगी जो पर डे मैं क्या क्या सोची थी करने के लिए और मैं सच में उस चीज़ को कितना कर पाई हूँ, तो वो मैं चार्ट दिखाऊंगी तो आपको पता चलेगा कि सच एक ही साथ तो नहीं होगा। एक्चुअली मैं स्टार्टिंग में आपको बताऊँ मैं 2 किलोमीटर ही वॉक करती थी वन डे, बहुत दिन नहीं हो गया ऐसा मैं बोल रही हूँ जैसे पता नहीं कौन सा हिस्ट्री वाला बात है, ऐसा कुछ नहीं है। फर्स्ट डे जो स्टार्ट हुआ था उस दिन आई थिंक 2 किलोमीटर मैक्सिमम 3 किलोमीटर ऐसा वॉक की थी, बस उससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं की थी। ऐसे ही थोड़ा थोड़ा मैं इंक्रीज करते करते अभी मैं फिलहाल 2 दिन से आई मीन 15 डेज होने के बाद मैं 16th डे से day 16 से ट्राई कर रही हूँ मिनिमम 8 किलोमीटर वॉक कर लूँ, तो मैं कर रही हूँ 8 किलोमीटर वॉक, तो मुझे पता चलेगा कि इस तरह से रूटीन फॉलो करने में मेरा कितना वेट लॉस हुआ है सिर्फ वॉक करने में, नथिंग एल्स। थोड़ा बहुत स्ट्रेचिंग करती हूँ जो कि योगा के रूप में करती हूँ, तो वो तो बिल्कुल भी इसके लिए नेग्लिजिबल ही हुआ ऐसा सोचिए, तो मुझे वो पता चलेगा। बट नेक्स्ट 30 डेज में मुझे पता है कि बहुत अच्छे से प्रोग्रेस होगा, क्योंकि आज के दिन के हिसाब से मैं बोल सकती हूँ कि मोर देन 8 किलोमीटर तो मैं वॉक करूँगी इवन रेगुलरली। सो उस समय थोड़ा जल्दी जल्दी मेरा वेट लूज होगा, आई एम सो हैप्पी। और आपको बताओ ये स्वेटिंग जो आता है ना, इतना खुशी मिलता है ना दिल को, हाय सच बता रही हूँ, ऐसा लगता है मेरा ये मिशन है आज स्वेटिंग तो आना ही है वॉक करके, अगर स्वेटिंग नहीं आया मिस यू नॉट वॉक श्रुति। सो स्वेटिंग आता है तो बहुत खुशी मिलता है। मैक्सिमम टाइम मैं बहुत ही गर्म वाले जगह पे ही रही हूँ, जैसे मैं कोटा में पढ़ाई करती थी वहाँ रही थी, लखनऊ में मेरा डिग्री हुआ है तो मैं वहाँ थी, इन सब जगह पे गर्मी इतनी गंदी वाली पड़ती है ना, और उस समय आप हल्का सा पाउडर भी लगाए रहो ना फेस पे तो वो स्वेट ऐसा होगा और वो पाउडर को ऐसे साथ में लेके जाएगा, और जब आप घर आएंगे ना तो ऐसा पाउडर वाला एक लाइन ऐसा बना रहेगा इस तरह से। बट इतनी खुशी मुझे कभी नहीं हुई है जितनी खुशी मुझे अभी होती है स्वेटिंग होने पे। इवन मेकअप हो जाए ना हो आई डोंट केयर, बट स्वेटिंग होता है ना तो मेकअप नहीं होता है, वैसे भी बाहर तो जाते नहीं है ना तो कैसे मेकअप होगा। मेकअप टाइप में ऑब्वियसली आई हेट स्वेटिंग, मतलब कभी और नहीं आ सकता था स्वेटिंग, हाँ जब मैं मेकअप करती हूँ तभी आना होता है तुझे, बता दो क्या जरूरत है मेकअप करते टाइम पे ही आने का, उसके बाद तो आ सकते हो, या मैं मेकअप हटा दूँ तो आ जाना, या मेकअप ना लगाओ तो आना, मेकअप लगाते टाइम में ही क्या जरूरत है आने का। इतना डांटी हूँ ना मैं स्वेटिंग को, इतना डांटी हूँ ना, बोलते रुक जा तेरे लिए अच्छा ही बन के दिखाऊंगी मैं, तो अच्छा बन गया। तो चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ मेरा ये ट्रेडमिल, देख सकते हैं यहाँ पे सामने, सिर्फ मैं ऐसे दिखा रही हूँ, मैं किसी एक और दिन आपको पूरा अच्छे से डिटेल में वीडियो दिखाऊंगी। तो ये इस तरह से है और मैं बेड के बगल में ही रखी हुई हूँ ताकि मुझे सुबह सुबह या नाइट में भी आराम से कर सकूँ, या कोई घर में आया हो तो भी मैं आराम से इस जगह पे कर सकूँ। जो मेरा ट्रेडमिल है ना वो मैं कैसे खरीदी हूँ ना वो मैं जानती हूँ, मतलब जैसे लेडीज होती है ना, सभी के घर में जो लेडीज होती है मम्मियाँ होती है, वो थोड़ा पैसा जा करके किचन में छुपा के रखती है, कहीं और छुपा के रखती है, कहीं और, मतलब इस तरह से थोड़ा थोड़ा ना कहीं छुपा के रखती है, और जब आप सारा पैसा खोजो ना तो आपको बहुत सारा मिल जाएगा, और वो रहता 10-10 रुपये ही है, या तो 20 रुपीज या तो 100 या 50 ऐसा वाला ही नोट रहेगा, नॉट मोर देन 100। ओके मैक्सिमम आजकल 500 भी रहते हैं लोगों के पास, बट मैक्सिमम इज 100। तो मैं ऐसे ही सभी जगह, इवन दो मैं कमाती हूँ फिर भी ये वाला हैबिट मैं बना के रखी हूँ, एक्चुअली ये बहुत अच्छा है, अगर मैं ये हैबिट नहीं बना के रखी होती थी ना तो आज मेरा ये बेचारा ट्रेडमिल नहीं आ पाता था। सीरियसली मैं हर जगह से पैसा खोजी हूँ, हर जगह से खोज के निकाली हूँ, मोमेंट बैठ करके मुझे ऐसे देख रही, ये कहाँ छुपा के रखी थी तू, ये कहाँ छुपा के रखी थी, बस
अब मिल रहा है ना, देखो मैं निकाल के दे रही हूँ, बट जगह मैं नहीं बताई हूँ मैं कहाँ छुपाती हूँ, वरना वो निकाल लेंगे। तो इस तरह से मैं छुपा छुपा करके मेरे प्यार ऐसे ट्रेडमिल को खरीदी हूँ। तो इसीलिए अगर कोई आपको बोले कि हाँ ये गलत बात है ये नहीं करो, एक्चुअल में कोई गलत बात नहीं, ये इतनी अच्छी चीज है ना कि आपको कभी कुछ लेना है ना तो आप आराम से ले सकते हो विद सैटिस्फैक्ट्री, नोबडी विल टेल एनीथिंग टू यू, यू कैन परचेज। तो ऐसे ही पैसा बचाइए और अपने बर्थडे पे या अपना कुछ स्पेशल हो तो उस पे अपने आप को गिफ्ट कीजिए। तो मैं थोड़े देर अभी रेस्ट करूंगी और उसके बाद मैं जाकर के स्नान करूंगी। तो फिर आज का वीडियो मैं यही खत्म करती हूँ, मिलती हूँ आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज डू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। टिल देन बाय।